ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे नौ ग्रहों को नियंत्रित करता है यह नवार्ण मंत्र। दुर्गा पूजा शक्ति उपासना का पर्व है। शारदीय नवरात्रि में मनाने का कारण यह है कि इस अवधि में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी है, इसलिए नवरात्रि में जब उनकी पूजा आस्था श्रद्धा से की जाती है तो उनकी नौ शक्तियाँ जागृत होकर नौ ग्रहों को नियंत्रित कर देती है। फलस्वरूप प्राणियों का कोई अनिष्ट नहीं हो पाता। दुर्गा की इन नौ शक्तियों को जागृत करने के लिए दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जाप किया जाता है। नौ का अर्थ नौ तथा अर्ण का अर्थ अक्षर होता है, अतः नवार्ण नौ अक्षरों वाला मंत्र है। नवार्ण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे है। नौ अक्षर वाले इस नवार्ण मंत्र के एक एक अक्षर का संबंध दुर्गा की एक एक शक्ति से है और उस एक एक शक्ति का संबंध एक एक ग्रह से है। नवार्ण मंत्र के नौ अक्षरों में पहला अक्षर एम है, जो सूर्य ग्रह को नियंत्रित करता है। एम का संबंध दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्री से है, जिसकी उपासना प्रथम नवरात्र को की जाती है। दूसरा अक्षर ह्रीम है, जो चंद्रमा ग्रह को नियंत्रित करता है। इसका संबंध दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी से है, जिसकी पूजा दूसरे नवरात्रि को होती है। तीसरा अक्षर क्लीम है, चौथा अक्षर चा, पांचवा अक्षर मू, छठा अक्षर डा, सातवां अक्षर ये, आठवां अक्षर वी तथा नौवां अक्षर चय है, जो क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु तथा केतु ग्रहों को नियंत्रित करता है। इन अक्षरों से संबंधित दुर्गा की शक्तियाँ क्रमशः चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी तथा सिद्धिदात्री है, जिनकी आराधना क्रमशः तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें तथा नौवें नवरात्रि को की जाती है। इस नवार्ण मंत्र के तीन देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं तथा इसकी तीन देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती हैं। दुर्गा की यह नौ शक्तियाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति में भी सहायक होती है। नवार्ण मंत्र का जाप 108 दाने की माला पर कम से कम तीन बार अवश्य करना चाहिए। यद्यपि नवार्ण मंत्र नौ अक्षरों का ही है, परंतु विजयादशमी की महत्ता को ध्यान में रखते हुए इस मंत्र के पहले ओम अक्षर जोड़कर इसे दशाक्षर मंत्र का रूप दुर्गा सप्तशती में दे दिया गया है। लेकिन इस एक अक्षर के जुड़ने से मंत्र के प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ता, वह नवार्ण मंत्र की तरह ही फलदायक होता है। अतः कोई चाहे तो दशाक्षर मंत्र का जाप भी निष्ठा और श्रद्धा से कर सकता है। बोलिए जय माता दी।